हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं जगह पे। हाँ जी भाई, अपना रिएक्शन दो भाई। बस भाई अभी तो गर्मी बहुत है, अच्छा। जा रहे हैं टूर पे। बताएं जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? यार किया कभी? किया है पहाड़ों से, किया है कर दोगे पहाड़ों से? महसूस किया कभी? महसूस किया है बिल्कुल। वो भी भाई ने करवाया है प्यार महसूस। हाँ जी भाई, भाई मजेदार है, लेकिन अभी तो गर्मी है। गर्मी तो है, लेकिन मजा आएगा। अच्छा, अभी जब हम इंटर होंगे ना नॉर्थ एरिया, तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी जैकेट निकालोगे भाई, और उसके बाद आप बोलोगे कि मैंने गाड़ी से बाहर नहीं निकला, इतनी ठंड होगी। हम असल में वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, लेकिन इधर गर्मी है, उधर सर्दी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपने लोग देखने हैं, ठीक है ना, आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले लोग रहेंगे, तो मिलते हैं जी फिर। ये थोड़ा सा छोड़ देंगे भाई का, सारे पैसे वैसे इकट्ठे कर लेने, बोतलां शोतलां पाई जान, सिगरटां दी डब्बे ले आंदे ने पूरे जवानां ने, पंप दे उत्ते खड़े इस टाइम। हां जी भाई, वसूलियां हो चुकियां वा, पैसे जमा हो गए, पानी की बोतलें शोतलें ले लिए हैं, अब हम निकलने लगे हैं। लोग बन रहा है, लोग बन रहा है भाई। माशाल्लाह, क्या आप भी आ सकते हैं? अब हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। आपा चले हैं भाई, आपा चले हैं यूनान दी तुर्की से, यूनान दी डंकी से। बिल्कुल बिल्कुल, आपा यूनान दी डंकी से चले हैं। इस टाइम मैनेजमेंट काबू हो चुकी है बिल्कुल, ये सारा मुसलमान भाई के हाथ में है, सब पेमेंट डन करवा दी है। ये हमारा दूसरा वो डंकर है, ये डंकर है, डंकर ये बाबा जी अपनी दवाइयां निकालते हुए। एक मिनट अभी दूसरा चलने लगे, आ जा कैमरे तुम ही मारा गया। तो अभी दूसरा भी शबरी साहब वसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इसमें मिट्टी की चीजें हैं, ध्यान से थोड़ा रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए, तो इधर से इस्लामाबाद ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, तो अभी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और पहुंच के वहाँ थोड़ी रिफ्रेशमेंट करके उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा आगे का, हुंजा का। तो आप बताएं कुछ, हम हुंजा चलेंगे और फिर उससे आगे 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 चलते आप जाएंगे। थोड़ा शाये हो रहे हैं कैमरे के सामने, इसकी वजह जहाँ तक जा हुआ वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारे पैसे नहीं खत्म होते। 10 दिन का प्लान है, 10 दिन का। फ्रेश होने के बाद चल पड़े हैं अपनी मंजिल की, मंजिल की। आप नहाए जी? मैंने लोटे से नहाया। लोटे से नहाया, बड़ा मजा आया। ओए होए होए, ये जी सामने एक्सचेंज आ गए, इधर से अब हम इंटर हो जाएंगे मोटरवे पे, और मोटरवे के जरिए हम इस्लामाबाद सीधा, उधर से फिर आगे हमारा पहला स्टॉप है हुंजा। हमारा चलान हो गया, हमारा चलान दिखाइयो भाई, चलान दिखाइयो। और 24 घंटे बड़ा पता नहीं भाई, चलान भाई यार हमारा कर दिया उन्होंने 750 रुपए का ओवर स्पीडिंग। स्पीड की वजह से उन्होंने हमें चलान किया। ये देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सीडिंग स्पीड लिमिट बाय 1 लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए स्पीड लिमिट है जी 120, जो इन्होंने उस पर देखी है कंप्यूटर पे, वो देखी है 143, तो 750 का चलान उन्होंने काट दिया। कैसा लगा चलान ठुका है आपको ओवर स्पीड पे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं किसी, मतलब कि इधर से हम पेट्रोल डलवाएंगे। ये देख सकते हैं मार्केट बन रही है इधर बहुत अच्छी, इधर मैकडोनल है, इधर साल्ट एंड पेपर, उसके बाद KFC। की सूरत हाल दसोगे? सूरत हाल गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तक ठंड स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, जल्दी ला जाओ। तो अभी हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, हम एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं, बालाकोट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बार बार से हम निकल जाएंगे, लोग बड़े मजे कहने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप तक जा रहे हैं जहाँ तक फुल बर्फबारी और ये वो और अच्छे वाला माहौल होगा, तो मेरे भी लोग लाजमी आप देखिएगा। हमने एबटाबाद वाली जो रोड जाती है उस रोड पे आ गए हैं, इस्लामाबाद कब का क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे अगर हम देखें फ्रंट पे तो धुंध पड़ी हुई है, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो अब हम एबटाबाद तकरीबन पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर देखें पहाड़ बहुत ऊँचे ऊँचे और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और गाड़ी असी भाई फुल स्पीडो स्पीड चला रहे हैं भाई, असी हाथ होला रखे किन्ने पे चल रही सी? 120 पे चला रहे हैं भाई यहाँ पे, तो हाथ हल्का रखें भाई। आप देखो और सड़क देखो, ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे हैं, घर देखें कैसे बनाया हुआ है बिल्कुल, ये देखें ऊपर एक घर है, यहाँ से नजर आ गया, ऐसे ना लोगों ने ऐसे घर बनाए हुए हैं, देखें पहाड़ों के ऊपर। एबटाबाद सुरंग आ गई है भाई, इसके अंदर से गुजर के जाना है। आ गई, ओ इत्थे अंधेरा, अंदर नेरा, ओ दिसदी कुछ हैगी?
अंदर नॉल ही दिसने लग पी, हर लाइटें लगी हुई हैं भाई, नज़ारे आ गए हैं यहाँ पे। और ये बहुत लंबी है मेरे ख्याल में। यहाँ पर आके जो मौसम है वो भी चेंज हो गया, ठंडी हवा लग रही है, एसी हमने बंद कर दिया, विंडो वगैरह ओपन कर दिए हैं, रेडी है खाने के लिए। जो सोचा था वैसा हुआ, इधर भी गर्मी मिली हमें, अल्लाह अल्लाह करे कि आगे जाके हमें ठंड मिले। तो फाइनली खाना आ चुका है। हाँ जी भाई जान, तुसी भी दसो चाय कैसी? खाना खाया है नॉर्मल, लेकिन चाय जो है ना मजेदार। अच्छा 5260 रुपए टोटल बिल बना है। अनजान जगह पे रुके हैं, ये आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता ये दरिया है क्या है। तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं दो, तो इनसे बात बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा दरिया है? ऊंची थोड़ा बोलना है। सब बोला ये बालाकोट का शहर है, बालाकोट से 4 किलोमीटर पीछे जगह का नाम अस्सा पुल है। ये क्या नाम है इस जगह का? अस्सा पुल। अस्सा पुल जी। अच्छा ठीक है, ये कौन सा दरिया है? अस्सा पुल दरिया है। अच्छा यार मैंने ये पूछना था कि जो ना ऊपर मैंने देखा, अच्छा भाई डांस बाद में करिए भाई, हम इंटरव्यू ले रहे हैं भाई से। नो इंटरव्यू ले रहे हैं। दरिया ज़िया है? दरिया ज़िया नहीं है ये। अच्छा ब्रदर ये मुझे बताना है कि जो ऊपर वो देखो ना, वो घर बने हुए हैं ना ऊपर ऊपर, वो उनको जब राशन या कोई चीज चाहिए होती है तो वो वहाँ से नीचे तक कैसे आते हैं? सड़क बनी हुई है, पैदल चल के आते हैं? जीपें जाती हैं, मतलब एक दफा आ गए उनके तो बड़ा मसला होता होगा दोबारा सामान लेके जाने में। हफ्ते में एक दफा आते हैं, मसला होता है ना उनको। तो आप डेली नीचे आती हो और शॉपिंग करने? अच्छा, और इधर का मौसम कैसा है? मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा बर्फ वगैरह पड़ती है यहाँ पे? इधर स्नोफॉल नहीं पड़ती के, इधर भी धूप है, इधर छाँव है, ये क्या सीन है? मतलब छुप जाता है पहाड़ों की चोटियों की वजह से, कुछ छुप जाता है, कुछ जो है वो नहीं छुपता। जहाँ जा रहे हैं नारान, नारान जा रहे हैं ना बाबू सर टोप, बाबू सर टोप, हाँ वहाँ पे बर्फ गिर रही होगी। वो लक पर डिपेंड करता है, बड़ी होगी गिर नहीं रही होगी। अगर लक हो ना तो पट डल जाती है, अगर लक नहीं होता ना तो फिर पूरा स्कर्दू भी घूम लो नहीं पड़ती। अच्छा सही, ऐसे है मौसम ठंडा होता है, फुल ठंडा इतने जितना है इसे कई ज्यादा ये तो बहुत कम है, है। इधर आप रजाइयां लेके सोते हो रात को? चादरें लेके सो रहे हो? हाँ सही है, ये कई घर में देख रहा हूँ वो ना बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर है, वो देखो ना वो सड़क बनी हुई है ऊपर से नीचे आते हैं, वो देखो ना तकरीबन पता यार इतनी ऊपर से डर नहीं लगता इनको? लगना चाहिए यार, बहुत ज्यादा ऊंची है बहुत। हाँ भाई जो अभी इलाका स्टार्ट हो गया है ना नारायण का, ये यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जो ऊपर से पत्थर है ना पहाड़ है वो टूट फूट जाता है। हाँ कागान भाई जान, हम नारायण पहुँच चुके हैं इस टाइम, कागान है, कागान पहुँच चुके हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और इस टाइम तकरीबन 8:30 का टाइम है, हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये जहाँ पे हम रात स्टे किया है वो जगह है, ठीक है माशाल्लाह। और ये रूम है हमारा, इस रूम में हमने रात स्टे किया है इस बेड पे, और ये और एक रूम ये लिया था, और एक वो एंड पे है वो भी मैं आपको दिखा के लाता हूँ। और यहाँ पे नज़ारे देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, और ये देखें जी बंदे हमारे सारे तैयार होकर नीचे खड़े हैं गाड़ियों के पास। एक रूम ये था, ठीक है ये रूम था, ये भी हमारा था, और वो भी, इसमें सारे बंदे सो गए थे, उसमें हम 3-4 ही सोए थे बस। ओके जी मिलते हैं अब नेक्स्ट, आगे चलते हैं यहाँ से, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और अब हम जा रहे हैं बबसर टॉप पे।